हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमोनो ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम लोग का नाश्ता वगैरह सब हो गया है और श्रेयू को मैं रेडी कर दी हूँ, तैयार कर दी हूँ। वो नहा धोकर रेडी हो गया है सुबह सुबह से आज। और मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं अपने शॉप और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो मतलब मैं दाल और सब्जी को रख दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दाल को रख ली हूँ और ये सब्जी है बैगन, बैगन की सब्जी। बैगन को तल रही हूँ मैं तो। और अभी मतलब मेरा झाड़ू पोछा वगैरह जो काम है वो अभी नहीं हुआ है। आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर का हाल, क्या हाल हुआ है। एक दिन के पानी में, मतलब एक दिन बरसात हुई है उसमें मेरे घर का हाल बेहाल हो गया है। तो सोचिए आप लोग, जब वो बरसात के टाइम में क्या हाल होता होगा। आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए क्या हाल हो गया है। और ये जो अभी पर्दा लगा हुआ है ना, वो भी भीगा हुआ है। और सोफा को हम लोग इधर खिसका दिए हैं क्योंकि इधर पूरा पानी भरा हुआ था। रात में तो बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था पानी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ है। बट देखिए, यहाँ पर पूरा पानी आ गया है। और दीवाली दीवाल से यहाँ पर ना, जो खिड़की है ना, खिड़की के पास में ये देखिए पूरा दीवाल छोड़ दिया है। दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा दीवाल हम लोग बनवाए थे ना, वो पूरा छोड़ दिया है। तो वहां पूरा छेद हो गया है, तो उसमें ना पूरा पानी आ रहा है। तो देखिए कैसा हो गया है पूरा हाल। ये देखिए पूरा, कल का बारिश ना बहुत ही ज्यादा हुआ है तो पूरा गंदा हो गया है। और ये देखिए ना, दीवार का क्या हाल हुआ है देख सकते हैं आप। पूरा ये पूरा ही गंदा हो गया है एकदम। देखिए, एक दिन के बारिश में ये हाल है। और सोचो अभी बरसात के टाइम में क्या होगा। मेरा बहुत ही ज्यादा गंदा और हवाएं भी बहुत चली है ना, तो देखिए पूरा कपड़ा वगैरह मेरा पूरा फैल गया है। नहीं जाना है बाबू उधर, गंदा है पूरा। वो जाने की जिद कर रहा है बाहर, जो कि अभी नहीं भेजूंगी। पूरा हाल बेहाल है अभी। मतलब कहाँ से शुरू करूं और क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मेरा। तो अभी अब मैं उधर को छोड़ दी हूँ और अब आ गई हूँ मैं रूम में, क्योंकि रूम में भी मेरा जो बिस्तर है, पूरा बेड है, वो पूरा फैला हुआ है। तो उसको भी अच्छे से तह लगा देती हूँ, समेट देती हूँ, झाड़ रही हूँ उसको, क्योंकि ना कचरा वगैरह सब आया है। अभी तो कितना दिन हो गया पानी गिर रहा है, हवा भी चल रहा है, पानी भी गिर रहा है, कितना धूल वगैरह सब आ गया है। खिड़की से तो ऐसे भी धूल वगैरह आ ही जाता है। तो यहाँ पर पूरा बिस्तर को अच्छे से देखिए मैं झाड़ ली हूँ और यहाँ पर टीवी चालू करके दे रही हूँ श्रेयू को, तो वो अपना कार्टून देखते रहेगा और मेरा इधर का जो काम है वो मैं करते रहूँगी। तो यहाँ पर जो मच्छरदानी है उसको मैं अच्छे से लपेट कर बांध कर उसको रख देती हूँ। गाइस, यहाँ पर देखिए पूरा मेरा बिस्तर जो है ना पूरा झाड़ ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ और पूरा ये हॉल में ना पूरा मतलब इतना हवा चला है ना, तो हॉल में भी पूरा धूल आ गया है। तो मैं सोफ़ा वगैरह को भी ना अच्छे से झाड़ देती हूँ, कवर को भी निकाल निकाल के पूरा अच्छे से झाड़ दी हूँ। काफ़ी धूल निकला है उसमें से भी। और मेरा जो हॉल में इसलिए आ जाता है कचरा, क्योंकि ना ऊपर में सीढ़ियों के पास खिड़की लगा हुआ है बड़ा सा और छत भी खुला हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ पे कैसे पानी भरा हुआ है, क्योंकि इधर से ना दीवार उठा नहीं है, पूरा खुला है और यहाँ पर पानी पूरा आके ना जमा हो जाता है। और सीढ़ियों का हाल दिखाती हूँ आप लोगों को, कल का हवा वगैरह पूरा आया है तो पूरा गंदा सा है। सबको अब साफ करती हूँ। जो हम लोग का ऊपर का जो छज्जा है ना, पूरा छत मतलब छत का जो छज्जा है ना, वो हमारे ना इधर
पीछे हो गया है और जो बालकनी बना है वो आगे हो गया है। तो वो छत का जो पानी है ना वो बालकनी में गिरता है, बालकनी से फिर इधर सीढ़ी सीढ़ी पूरा इधर आ जाता है बहुत सारा पानी। तो मैं क्या करी हूँ, मेरे हस्बैंड को बोल के वहाँ पर ईंटा घेर के रखी हुई हूँ, तब जाकर वो पानी वहाँ पर ठहरता है, नहीं तो पूरा पानी सीढ़ी सीढ़ी से पूरा मेरे रूम तक भी, पहले तो रूम तक भी आ जाता था पानी, अभी तो मतलब ठीक है, अभी हॉल तक ही पानी आता है। लेकिन देखिए ना, अगर हॉल में भी पानी आ जाएगा तो मैं अपना जो भी सामान है वो कहाँ रखूँगी, सोफ़ा वगैरह तो पूरा मेरा गंदा हो जाएगा, तो उसको हमें बनवाना है। अब कब बनता है क्या पता, अब कब बनेगा ये सब, क्योंकि बनवाना तो पड़ेगा। खिड़की में ना दिवाली दिवाल कर से पानी आता है, तो वैसे ही बरसात के टाइम में मुझे बहुत परेशानी होती है ना। जो पर्दा है ना पूरा गीला है, उसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। बस ये देखिए, तार से निकाल रही हूँ, पूरा काफी गंदा हो गया है एकदम। निकल गया, ये पूरा गंदा हो गया जी एकदम। अभी ना रोज रात रात में बारिश हो ही जा रहा है, हवा भी रात में चलता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है, तो पूरा पानी अभी आ ही रहा है हम लोगों के नीचे में, हॉल में भर जा रहा है। तो देखिए वहाँ पर मेरा जो उधर का काम है ना वो मैं कर ली हूँ अभी, मतलब आधा अधूरा करके फिर मैं इधर भाटा को देखने के लिए आई हूँ, और उसको मतलब अच्छे से चम्मच चला दी हूँ, पलटा भी दी हूँ इधर उधर, पलट पलट अलट पलट करके उसको फिर से तलने के लिए ऐसे छोड़ दी हूँ कम आँच में करके। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ चावल को धोकर, और दाल मेरा पक गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे हॉल में फिर से आ गई हूँ, और इधर सोफ़ा को अच्छे से हटा देती हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो है मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू तो लग गया है तो मुझे पोछा लगाना है, वहाँ पे धूल भी हो गया है तो बहुत परेशानी होती है। जहाँ पानी गिरा ना उसके बाद से पूरा पानी भर जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। हर किसी को भी होगी, मुझे बस नहीं, हर किसी को भी होगी, जैसे भी वहाँ पानी घुसेगा घर में तो। और यहाँ पे जो पर्दा है ना उसको गीला हो गया है, तो उसको निकाल दी हूँ और उसको धो के फिर रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी बारिश हो ही रहा है, 4-5 दिन हो गया हो रहा है बारिश, और अभी लगा दूंगी तो फिर से वो गीला हो जाएगा, फिर से वो गंदा हो जाएगा, तभी नहीं लगाती। और मैं ना हमेशा ऐसी बरसात के टाइम में ना पर्दा को पूरा निकाल देती हूँ, नहीं लगाती, क्योंकि वैसे ही गीला हो जाएगा तो फिर क्या मतलब का है लगाने का पर्दा, तो नहीं लगाती हूँ, धोकर रख देती हूँ, फिर वो बरसात ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद फिर लगाती हूँ मैं पर्दा को। और देखिए यहाँ पर ना किचन में आ गई हूँ मैं, आधा आधा काम कर रही हूँ, उधर का भी आधा काम कर रही हूँ इधर का भी, क्योंकि भाटा तलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए आधा मेरा भाटा जो है ना अच्छे से तला गया है, तो उसको निकाल दी हूँ, और जो बचा हुआ है उसको फिर मैं डाल के कम आँच में रख दूँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा दाल भात सब्जी सब बन गया है, और बस अब मैं जा रही हूँ रूम किचन को झाड़ू लगाऊंगी, फिर वो हो जाएगा मेरा काम, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना रूम और किचन को झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन है उसको मैं मांज धो ली, और दीदी को बोली पानी चालू करने के लिए, तो वो पानी चालू करेंगी, तो उससे पहले मैं यहाँ पर गुंडी का जो भी पानी है उसको फेंक देती हूँ, और उसको मांज धो करके भरने के लिए रख देती हूँ पानी को। और मैं इधर रूम तरफ गई थी क्योंकि श्रेयू कुछ बोल रहा था तो उसको सुनी, और फिर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर बॉटल्स में भी मैं पानी भर ली। उसके बाद मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके रेडी हो गई मैं। गाइस देखिए यहाँ पर पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन जो भी था वो धोकर रेडी हो गई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।